वेलकम टू माय चैनल मैथ बूस्टर। चलिए इस वीडियो में हम कंपेयरिंग रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें कंपेयरिंग रेशनल नंबर को हम दो तरीकों से कंपेयर कर सकते हैं। इट कैन बी कंपेयर्ड इन टू डिफरेंट वेज। मेरा फर्स्ट पॉइंट है बाय रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन। तो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके कैसे रेशनल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज ग्रेटर इफ इट इज लाइंग राइट साइड ऑफ द गिवन नंबर एंड स्मॉलर वेन इट इज लाइंग लेफ्ट साइड। यानी कहने का मतलब ये है कि नंबर लाइन जैसे ड्रॉ आपने कर लिया, कोई भी नंबर है उसके राइट साइड वाला क्या होगा, उसे बड़ा होगा, और उस नंबर से जो भी लेफ्ट होगा वो छोटा होगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देके देता हूँ। जैसे -5/2 और -3/2 को हमको कंपेयर करना है, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं -5/2 -3/2। ठीक है, अब हमको कंपेयर करना है इसमें, तो कंपेयर करना है तो मान कौन सा है बड़ा, तो इस नंबर को हम मान लीजिए लेते हैं। ठीक है, तो इसके क्या है, ये लेफ्ट में है कि राइट में है बताइए, लेफ्ट में है। ठीक है, तो लेफ्ट में है मतलब ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऐसे साइन लग जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लेते हैं इस नंबर को लेते हैं और इस नंबर को लेते हैं। ठीक है, -3/2 और 5/2 है। चलिए इस नंबर को हम लेते हैं, इसके ये कौन से साइड में है, ये राइट साइड में है। ठीक है, 5/2 बड़ा हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए एक और हम कंपेयर कर लेते हैं। हम इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, -1/2 और 3/2 को। अभी देखिए -1/2 है, इसके राइट साइड में कौन सा है, 3/2, यानी 3/2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इस तरह इसमें साइन लग जाएगा। तो इस तरह हम स्टूडेंट्स आसानी से रेशनल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं नंबर लाइन पे। सेकंड है स्टूडेंट्स, विदाउट रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन। अगर किसी भी रेशनल नंबर को हमको कंपेयर करना है बिना नंबर लाइन के, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या है, पहला पॉइंट, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर सेम कंपेयर द न्यूमरेटर। अगर कोई भी दो रेशनल नंबर हैं उसका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप उसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। किसको कंपेयर करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए जैसे है 3/7 और यहाँ पे 5/7 है, दोनों में से बड़ा कौन होगा, आसानी से आप बता सकते हैं कौन सा बड़ा है, ये वाला साइन इसमें लगेगा। या हम नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, -3/8 और यहाँ -5/8, अब दोनों में से बड़ा कौन होगा, ये वाला बड़ा होगा, इस तरह इसमें साइन लगेगा। तो जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा, इफ टू रेशनल नंबर्स हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अगर कोई दो रेशनल नंबर है उसका अलग अलग डिनोमिनेटर है, तब क्या करेंगे, मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल एंड देन कंपेयर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा, यानी सेम करना होगा, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, देखिए इट कैन बी डन बाय एलसीएम मेथड। ये हम एलसीएम मेथड के द्वारा करेंगे। तो चलिए इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे है मान लीजिए 4/-5 एंड 2/3। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, तो कभी भी हम कंपेयर करते हैं तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रहना चाहिए। इसको हम किसको देंगे, न्यूमरेटर को, यानी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो देखिए करते हैं, -4/5 एंड 2/3। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज 15। जब हम 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 15। अब हम पहले अपने नंबर को लेते हैं -4/5। ठीक है, तो हम 5 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 15 आ जाएगा, 3 times 3/3, तो कितना हो गया, -12/15। नेक्स्ट है हमारा 2/3, 2/3 को हमने ले लिया, 3 का टेबल हम कितने बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाएगा, 5 times, यानी 5/5, तो कितना हो जाएगा, 10/15। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, -12/15 बॉक्स 10/15, कौन बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ, तो इस तरह हमारा साइन लग जाएगा। तो हम क्वेश्चन में भी अपना इसी तरह का साइन कर लेते हैं, 4/-5 और 2/3, इस तरह हम अपना साइन लगा लेते हैं। तो ये हमारा हुआ एक तरीका, जो है एलसीएम हमने यहाँ पे निकाला, डिनोमिनेटर सेम किया और उसके बाद कंपेयर किया, एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका क्या है, अनदर वे टू कंपेयर रेशनल नंबर्स इज क्रॉस मल्टीपल मेथड। इसमें भी स्टूडेंट, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है क्रॉस मल्टीपल में भी, तो भी हम क्या करेंगे, उसको न्यूमरेटर को देंगे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेके देखते हैं इसका।
जैसे हम लेते हैं माइनस फोर बाई सेवन एंड थ्री बाई माइनस अलेवन, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हम पहले इसको हटाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, माइनस फोर बाई सेवन एंड माइनस थ्री बाई एलेवन। हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो हम इसको ऊपर भेज देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर नेगेटिव साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्रॉस मल्टीपल से कंपेयर करते हैं, माइनस फोर बाई सेवन माइनस थ्री बाई एलेवन, क्रॉस मल्टीपल क्या हो जाएगा, माइनस फोर इंटू एलेवन माइनस फोर्टी फोर माइनस थ्री इंटू सेवन इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी वन, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, माइनस फोर्टी फोर बॉक्स माइनस ट्वेंटी वन, कौन बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, तीसरा साइन लग जाएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, माइनस फोर बाई सेवन थ्री बाई माइनस अलेवन, कंपेयर कर लेते हैं, तो इस तरह हमारा साइन ये लग जाएगा स्टूडेंट्स। तो एक चीज़ का आप जरूर ध्यान दीजिएगा, या आप डिनोमेटर सेम करके निकाल रहे हैं एलसीएम मेथड से, या आप कंपेयर क्रॉस मल्टीपल से कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मेथड में आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर चेंज कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दो रेशनल नंबर को कंपेयर करने तक को तो ठीक है ये क्रॉस मल्टीपल मेथड, ठीक है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा हमें, मान लीजिए तीन हो गए, चार हो गए, पाँच हो गए, अगर उन रेशनल नंबर्स को हमें कंपेयर करना होगा तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एलसीएम मेथड। सबका डिनोमेटर सेम करेंगे, उसके बाद देखेंगे उसमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल से सिर्फ हम दो रेशनल नंबर को ही कंपेयर कर सकते हैं, कर तो सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा आपके लिए कठिन होगा, ठीक है, तो इसलिए हम आसान तरीका चुनेंगे एलसीएम मेथड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे कंपेयरिंग रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट 6 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।